ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश भर में सरकारी कार्यालय में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना बताए पदनियुक्त करने पर प्रदेश आउटसोर्स संघ ने कड़ा एतराज जताया है। हमीरपुर में आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल सिंह ने दो टूक शब्दों में प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद नहीं किया गया तो आउटसोर्स कर्मचारी संघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। प्रदेश भर में सरकारी कार्यालयों में सेवा दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना बताए पदमुक्त करने पर प्रदेश आउटसोर्स संघ ने कड़ा एतराज जताया है। हमीरपुर में आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल सिंह ने दो टूक शब्दों में प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद नहीं किया गया तो आउटसोर्स कर्मचारी संघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर बाध्य होगा। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में लगभग 3000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी बिजली, स्वास्थ्य, पुलिस के अलावा दूसरे विभागों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के साथ साथ बिना बताए नौकरी से निकालना भी शुरू कर दिया है। वहीं बिजली विभाग और पुलिस कंट्रोल रूम में लगे 40 के करीब आउटसोर्स को बिना वजह नौकरी से निकाला जा चुका है, जिस पर आउटसोर्स संघ ने अब आंदोलन का मन बना लिया है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल सिंह ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है और बहाना बनाया जा रहा है कि अब आउटसोर्स की जगह तकनीकी कर्मचारी रखे जाएंगे। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नए लोगों को रखा जा रहा है और पुराने लोगों को हटाया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर कर्मचारियों की फरियाद रखी जाएगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए या फिर हरियाणा की तर्ज पर कंपनी कोई भी आए कर्मचारी पुराने ही रहने चाहिए, ऐसा प्रदेश सरकार को निर्णय लेना चाहिए। स्टेट प्रधान हिमाचल आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन, आज आउटसोर्स के ऊपर जो खबर लगी हुई है कि जो आईपीएच विभाग के लोग लगे हुए थे उनको जो है वो नई कंपनी आने के बाद जो है लोगों को जो है वो बाहर का रास्ता जो है वो विभाग दे रहे हैं, और उसके ऊपर जो हमारे साथी हैं उनके लिए विभाग के अफसर ही लिख रहे हैं कि उनका जो है अब नए आदमी जो है वो कोई तकनीकी और उससे परिपूर्ण आएंगे कि जो उस काम को जो है सही ढंग से कर सकें। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि जैसे वो लोग 4-5 सालों से काम कर रहे थे, मशीनें चला रहे थे, उस टाइम जब आपने रखा था तो उनकी क्वालिफिकेशन जो उसको आपने क्यों नहीं देखा। अब जब अगर उनमें कोई कमी थी तो आप उसको सुधार के कोई ट्रेनिंग करवा के जो था उनकी जगह जो है वो आप जो नए रख रहे हैं उनको भी आपको तैयार करने में टाइम लगेगा, तो पुराने बंदों को आपको रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो जल्द ही हम जो है वो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी से और आईपीएच मंत्री जी से ठीक है मिलेंगे। और दूसरा जो हमारा सवाल है कि जैसे आज आउटसोर्स कर्मचारी का इतना शोषण हो रहा है, चाहे वो ईपीएफ के नाम का है, ईएसआई के नाम का है या विभागों में, और दूसरी जो समस्या है उसके नाम के ऊपर चला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर प्रदेश सरकार जो उसके लिए अगर कोई पॉलिसी बना दे, या अगर पॉलिसी नहीं बनाती है तो जैसे अभी आईजीएमसी शिमला में किया कि जैसे कंपनी कोई भी आती है आदमी जो है वो वही रहेंगे, या हरियाणा में है कि कंपनी चाहे कोई भी आए आदमी जो है वो वही रहेंगे, इस प्रकार से जो काम करने चाहिए। और दूसरा भी 40 लोग जो पुलिस विभाग में लगे हुए थे आउटसोर्स के ऊपर, उन लोगों को भी निकाल दिया गया, तो ये एक बड़े दुख की बात है कि जो आदमी इतने दिनों से काम कर रहे हैं उन लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है। और जैसे हमारे जो साथी हैं जैसे बिजली में लगे हुए हैं, जो पोल पे चढ़ने का काम कर रहे हैं, करंट से मर रहे हैं, मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि मैंने सीएम साहब से धर्मशाला में भी हम मिले थे, हमने वहाँ पे भी बोला था कि जैसे ये लोग मरते हैं तो चलो इनके एक परिवार को जो आउटसोर्स के आधार पे ही जो है वो एक परिवार के आदमी को नौकरी दी जाए, और कम से कम मरने वाले के परिवार को जो है वो 10 लाख रुपये है जो है वो दिया जाए, जिससे इसका परिवार जो है वो अपना जीवन यापन जो है वो कम से कम कर सके। मैं प्रदेश सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई ऐसा कानून या ऐसा नियम बनाए जिससे वो अपना भविष्य जो है सुरक्षित कर सके, और अगर ये जो लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है इसको अगर नहीं रोका गया तो
प्रदेश का जो 40-50 हजार के लगभग आउटसोर्स कर्मचारी है वो बहुत ही जल्द जो हुआ शिमला में धरने के ऊपर बैठ जाएगा। पहले भी सचिवालय